अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। शाहनवाज पर दर्ज होगा रेप का केस। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पुलिस का रवैया ढीला था। एफआईआर दर्ज कर 3 महीनों में जांच पूरी करें। जोधपुर में चंद्रशेखर आजाद को करीब 4 घंटे तक पुलिस ने रोका एयरपोर्ट पर। चंद्रशेखर ने कहा उस परिवार से बिना मिले नहीं जाऊंगा। भीलवाड़ा जिले के जाजपुर उपखंड क्षेत्र में छात्र छात्राओं ने जड़ा विद्यालय के ताला। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। और खबरें विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश 2018 में भाजपा नेता पर लगे आरोप को लेकर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस 3 महीने से ज्यादा जांच पूरी करे, उसी समय में निचली अदालत को सौंपे। इस बीच शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। जस्टिस आशा मेनन ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई थी, कहा कि उनका रवैया ढीला रहा। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में शाहनवाज ने कहा कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। जोधपुर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को करीब 4 घंटे तक पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोके रखा। लगातार वार्ता की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस में विफल रही। हालांकि उसे एयरपोर्ट से निकालने से कुछ देर पहले डीसीपी अमृता दुहान खुद बाहर आई और उन्होंने बयान दिया कि चंद्रशेखर ने हमारी बात मान ली है। उनको अपनी यात्रा में परिवर्तन करने को कहा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उसी दौरान चंद्रशेखर ने बयान दिया कि गहलोत सरकार मुझे बताए कि सब वहां जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं उस परिवार से बिना मिले नहीं जाऊंगा। चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए उससे पहले पुलिस की स्पेशल टीम ने उन्हें पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। बैठते बैठते चंद्रशेखर ने कहा कि जालौर जिले के सुराना में पीड़ित परिवार से बिना मिले मैं नहीं जाऊंगा। मकराना शहर में नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज सन सिटी हॉस्पिटल की तरफ से एसडीएम कोइंद्र मेघवाल के साथ हुई घटना के विरुद्ध ज्ञापन दिया, जिसमें कॉलेज हॉस्पिटल के डायरेक्टर सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को राजस्थान के जालौर जिले के सायला तहसील सुराना गांव में 9 वर्षीय छात्र इंद्र मेघवाल ने अपने प्रधानाध्यापक छेल सिंह की मटकी से पानी पी लिया, जिससे प्रधानाचार्य क्रोधित हो गया और इंद्र मेघवाल को भद्दी भद्दी गाली देते हुए उसे बुरी तरह पीटने लगे, जिससे उसका ब्रेन हैमरेज हो गया और 24 दिन बाद इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना झकझोर कर देने वाली है। भीलवाड़ा जिले के जाजपुर उपखंड क्षेत्र के टिटोड़ा माफी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कई दिनों से शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर आज सुबह से ही छात्र छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं को ग्रामीणों व अध्यापकों ने समझाइश की, परंतु वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि उच्च अधिकारियों के मौके पर आने और जल्द समस्याओं का समाधान करने पर ही ताला खोलकर विरोध प्रदर्शन समाप्त किया जाएगा। अतः निवेदन है कि प्रधानाध्यापक को कड़ी सजा दिलवाकर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाएं, ताकि हमारे भारत देश में ऐसी घटना ना हो। हमारे विद्यालय में हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य एवं भूगोल और अंग्रेजी के अध्यापकों की कमी है, इसीलिए उसको पूरा करने हेतु आप सभी प्रयास करें। और हमारे विद्यालय में संस्था प्रधान की कमी से हमारे विद्यालय की सुव्यवस्था बिगड़ रही है, थोड़ा ध्यान दें। और हमारे विद्यालय में इतिहास के टीचर भी दिसंबर में रिटायर्ड हो जाएंगे, इसीलिए हमारे कोई भी अध्यापक नहीं रहेंगे और हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होने के कारण आप सभी थोड़ा प्रयास करें। चंदेरी पंचायत चुनाव के बाद सभी सरपंचों ने पदभार ग्रहण कर आज शासन के नियमों द्वारा प्रथम ग्राम सभा हुई। मुरादपुर पंचायत में इस बार पूरे प्रदेश में चुनाव से ही चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि 7 प्रत्याशियों को हराकर मुकेश रेकवार की ऐतिहासिक विजय हुई थी।
यह ऐतिहासिक विजय की वजह मुकेश के बड़े भाई लक्ष्मण रेख पर है। यह साबित हुआ कि जितना लक्ष्मण का वजन है उतना ही लक्ष्मण की जिम्मेदारी है। यह बात जिले भर में चर्चा का विषय बनी क्योंकि इस चुनाव में इससे पहले हुए चुनाव में लक्ष्मण के कई प्रत्याशियों की ऐतिहासिक विजय हुई है। जनपद के बहराइच के मेहपुरवा क्षेत्र में बसे दलित गांव मंगलपुरवा में भ्रष्टाचार चरम पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने पंचों के साथ मिलकर गांव में विकास कार्यों के नाम पर ग्रामीणों से बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की, जबकि गांव में विकास कार्य शून्य है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आवास, मनरेगा व मार्गों के पटान इंटरलॉकिंग कार्य के नाम पर लाखों रुपए डकार गए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 200 घर है जिसमें से 10 से 15 लोगों को शौचालय मिला, जबकि 150 से अधिक घरों के लोग आज भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है, जबकि खुले में शौच जाते समय हिंसक जीवों के हमलों का खतरा बना रहता है। क्या समस्या आपकी? सुनील कुमार मेरा नाम है। मैं भी प्रीतम के दिया था 10,000 रुपया, बोल रहे थे आवास तुम्हारा मिल जाएगा, आज तक मिला नहीं, 2 साल हो गया, घर भी गिर चुका है, खेत बारी भी नहीं है। आजकल किए 10,000 रुपया ले लिए, दिए नहीं आवास भी। कौन गांव? मंगलपुरवा। बाड़मेर के सेडवा से खबर, जहां इस बार मानसून से पूरे राजस्थान में अच्छी बरसात हो रही है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सेडवा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते सड़कों के हालात खस्ता हाल हो गए। वहीं मोतीबेरी केकर से चोखापुरा जाने वाली सड़क पूरी तरह से टूट गई। सड़क टूटने से सड़क पर 15-15 फीट के गड्ढे पड़ गए। सड़क टूटने से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों व खुले में घूम रहे पशुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारा के छिपा बड़ोद से खबर, जहां खजूरिया लहसी बांध पर सैकड़ों लोगों को अपनी जान पर खेलकर अवैध रूप से मछलियों का शिकार करते हुए देखा जा सकता है। प्रतिबंध होने के बाद भी बांध में इन मछली पकड़ने वालों के विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई केस बनाया गया। जानकारी के अनुसार मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण पर नहीं आने से मछलियों का शिकार करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कई बार पुलिस के जवान निरीक्षण पर आते हैं तो शिकारी पुलिस को देखकर भाग निकलते हैं। मछलियों का शिकार करने वाले बांध के गेटों के नजदीक अवैध रूप से जाल डालकर और बड़े बड़े लमडोरे डालकर मछलियों का शिकार करते हैं। हाट बाजारों में, होटलों में मछलियों को अवैध रूप से बेचते देखा जा सकता है। क्षेत्र में मछलियों का शिकार रोकने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। एक्चुअल में क्या है, जब जब हम गेट बंद करते हैं तो ये लोग पता नहीं कहां से आके डैम के नीचे मछली निकालने लग जाते हैं, और हमने कई बार इनको समझा दिया, बता दिया भाई आप इसमें 10-12 फीट पानी है, आप डूब जाओगे, मर जाओगे, लेकिन लोग बाग नहीं मानते। इसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को भी बताया इसके बारे में, और यहाँ आती भी है पुलिस, जब भाग जाते हैं ये लोग और वापस फिर वही पोजीशन हो जाती है, तो इससे हम भी परेशान हैं। कोई ऐसा घटना घटित ना हो जाए जो हमारे डिपार्टमेंट के नाम जबरदस्ती के एक कलंक लग जाए, तो हम भी काफ़ी परेशान हैं इससे। मकराना शहर में सम्राट स्कूल में जन्माष्टमी महोत्सव पर झांकी सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। माताबर रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को जन्माष्टमी महोत्सव पर इंटर हाउस झांकी सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन समारोह पूर्वक किया। प्रधानाचार्य किस्मत राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के पूजन के साथ कृष्ण कन्हैयालाल के जयकारों के साथ की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रेम प्रकाश मुरावतिया ने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के जीवन को आदर्श मानते हुए दीन दुखियों को मदद करने के लिए प्रेरित किया। सूरतगढ़ के शोपुरा कस्सी से खबर, जहां क्षेत्रों में गुरुवार को जन्माष्टमी पर्व पर मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। मंदिरों को रंग बिरंगे विद्युत लड़ियों से सजाया गया। हालांकि जन्माष्टमी पर्व को लेकर संशय भी पीड़ितों के पंडितों के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र आज सायंकाल से लेकर कल दोपहर बाद तक है, इसलिए भक्तजन आज व कल शुक्रवार को दोनों दिन व्रत रखेंगे व रात्रि चंद्रमा दर्शन के बाद व्रत खोला जाएगा। मंदिरों में आज भक्तों ने ठाकुर महाराज व राधा रानी के नए वस्त्र व श्रृंगार का सम्मान भेंट किया। देश की सबसे बड़ी सुरक्षित जेलों में शुमार, जोधपुर के सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार जेल में 10 मोबाइल और 20 ईयरफोन मिले हैं, और वह भी जेल में मरम्मत के काम के दौरान बजरी लेकर पहुंचे ट्रैक्टर में। मामले में बारे में बताते हुए डीसीपी ईस्ट डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि जेल प्रशासन की तरफ से लिखित रिपोर्ट दी गई, जिसमें बताया कि जेल में मरम्मत का काम चल रहा था और इसी दौरान एक ट्रैक्टर में बजरी और सीमेंट मंगवाई गई। जब इस ट्रैक्टर को खाली किया तो उसमें 4 पैकेट निकले, जिनमें 10 मोबाइल और 20 ईयरफोन मिले।
जेल प्रशासन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक अनिल बिश्नोई को गिरफ्तार किया। अनिल बिश्नोई ने पूछताछ में बताया कि उसे ट्रैक्टर जगदीश बिश्नोई ने सौंपा था। पुलिस ने पिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है। कल दिनांक 17 अगस्त को उपाधीक्षक केंद्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा हमें लिखित में एक रिपोर्ट दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कारागृह के अंदर एक जो मरम्मत कार्य चल रहा था उस हेतु उन्होंने बजरी और कुछ सीमेंट के कट्टे मंगवाए थे। जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में वो कट्टे और जो बजरी रेत आया, जब उसको खाली किया गया स्टाफ के सामने, तो उसमें से दो निषिद्ध सामग्री के पैकेट उसमें से निकले। उनमें से एक में फोन थे, वह दूसरे में ईयरफोन्स थे। चार ऐसे पैकेट्स थे, तो टोटल 10 हमारे फोन्स निकले और लगभग 20 ईयरफोन्स निषिद्ध सामग्री में प्राप्त हुए। इस हेतु उन्होंने लिखित में रिपोर्ट दी और तुरंत पुलिस थाना रातानाड़ा पर मुकदमा दर्ज हुआ कारागार अधिनियम के तहत। इसमें जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया। ड्राइवर का नाम अनिल बिश्नोई है, जो रातानाड़ा थाने का ही रहने वाला है, और उसके द्वारा यह बताया गया कि जगदीश बिश्नोई कुड़ी भगतासनी के जो निवासी है, उन्होंने ये ट्रैक्टर ट्रॉली जेल में ले जाने हेतु उसको दिया था। बीकानेर के कोलायत से खबर, जहां श्रीकरणी गौशाला में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर औषधीय युक्त तैयार लड्डू सभी गौवंश को खिलाए गए। गौशाला के मंत्री कैलाश दान देपावत ने बताया कि राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के निर्देशानुसार गायों की महामारी लंपी स्किन डिजीज के लिए गौशाला की समस्त 2700 गौवंश के लिए अश्वगंधा, गिलोय, कालीजीरी, आंवला जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सभी गौवंश को खिलाए जाएंगे। लंपी स्क्रीन डिजीज महामारी से बचाव के लिए पूरा गांव, प्रशासन, पशु चिकित्सा विभाग समर्पित होकर के कार्य करे, इसलिए मैं इन सब का तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।